नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूँ बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले कुछ ताज़ा तरीन सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। राजधानी दिल्ली में 2000 करोड़ रुपए की कोकीन की गई जब्त। नमकीन के पैकेट में छिपाई गई थी। किराए की दुकान से क्राइम ब्रांच ने 208 किलो कोकीन बरामद की। आपको बता दें कि इसी सिंडिकेट की 5600 करोड़ की ड्रग्स 8 दिन पहले पकड़ी गई थी। यूपी सरकार ने अखिलेश यादव को जेपी कन्वेंशन सेंटर जाने से रोका तो सपा प्रमुख ने घर में लगी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर चढ़ा दी माला। कोलकाता रेप केस मामले में भूख हड़ताल कर रहे डॉक्टर की हालत गंभीर। बेहोश होने के बाद लगाई गई ऑक्सीजन। आईएमए ने ममता को पत्र लिखा कि उनकी मांगों को फौरन एक्शन लिया जाए। आज नैना देवी मंदिर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। नवरात्रि पर की गई विशेष पूजा अर्चना। बता दें हरियाणा में जीत के बाद दर्शन के लिए आए। मुस्लिम संगठनों पर दिया था विवादित बयान तो महंत यति नरसिंहानंद का शिष्य अनिल यादव हुआ गिरफ्तार। पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में हिट एंड रन का मामला आया सामने। तेज रफ्तार ऑडी ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हुई मौके पर मौत। रतन टाटा के निधन के बाद ग्रुप के सबसे बड़े स्टैक होल्डर टाटा ट्रस्ट की कमान सौतेले भाई नोएल टाटा को मिली। आज मुंबई में हुई मीटिंग में नोएल टाटा के नाम पर सहमति बनी। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 60 अंक तक गिरा। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार तीसरी बार प्रचंड जीत हासिल की, तो वही जिसके बाद नायब सैनी का सीएम बनना तय है। बता दें कि हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 15 अक्टूबर को पंचकुला में होगा। वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव ने समारोह की तैयारियों के लिए 10 सदस्य कमेटी गठित की है। शपथ समारोह में पीएम मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। नायब सैनी का सीएम बनना तो तय है, तो वहीं उनके साथ 10 से 11 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। बताते चले कि भाजपा बहुमत में है। हालांकि 3 निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान और राजेश जून ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी के पक्ष में अब 51 सदस्य हो गए हैं। सरकार को समर्थन की घोषणा करने वाले 3 निर्दलीय विधायकों में से एक को मंत्री भी बनाया जा सकता है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में हरियाणा में पहली बार के रिकॉर्ड में 48 सीटें जीती हैं। इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गृह जिले रोहतक, चौटाला परिवार के गृह जिले सिरसा और मुस्लिमों के गढ़ नूह को भाजपा कमल नहीं खिला पाई। दरअसल फतेहाबाद और झज्जर सहित 5 जिलों में भाजपा का खाता भी नहीं खुला। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में भी चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, सिरसा और नूह में कमल नहीं खिल पाया था। भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी टक्कर में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी 5 जिलों करनाल, पानीपत, चरखी दादरी, रेवाड़ी और गुरुग्राम में खाता नहीं खोल पाई। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के हाथ कैथल, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम और पलवल में खाली रहे थे। इसके अलावा बताते चले कि इनेलो पिछली बार की तरह केवल सिरसा जिले में ही सिमट कर रह गई। और आपको ये भी बता दें कि पिछली बार एलाहाबाद से जीतने वाले अभय चौटाला भले ही हार गए हैं, लेकिन रानिया में अर्जुन चौटाला और डबवाली में आदित्य चौटाला ने इनेलो को इस बार जीत दिला दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में 6 जिलों में जीतने वाली जननायक जनता पार्टी कहीं भी खाता नहीं खोल पाई और तो और जमानत भी नहीं बचा पाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी के चुनावी निशान को बदलने की सलाह दे डाली है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को हरियाणा विधानसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ जलेबी का महिमा मंडन करने आए थे। बताते चले कि साथ ही मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस का चुनावी निशान बदलकर हाथ का पंजे से जलेबी रख लेना चाहिए। वहीं अब हरियाणा में मिली करारी हार को लेकर कांग्रेस में मंथन शुरू हो गया है। बता दें कांग्रेस हाईकमान ने टिकट आवंटन से लेकर चुनाव लड़ने तक फ्री हैंड रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को दिल्ली में तलब कर जवाब मांगा है। दरअसल तीनों नेताओं को बृहस्पतिवार को दिल्ली में बुलाया गया था।
लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा। दीपक बावरिया खराब स्वास्थ्य के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उदय बान पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के चलते हाईकमान के बुलावे पर नहीं पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक की खास बात यह रही कि इस बैठक में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और कैप्टन अजय सिंह यादव को नहीं बुलाया गया था। आपको ये भी बताते चले कि हाईकमान ने इस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया था, जिसके चलते 90 में से 72 सीटों पर हुड्डा की पसंद के उम्मीदवार उतारे गए थे, जिनका चुनाव प्रचार के दौरान भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही कमान संभाली थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने हल्के पीपली अनाज मंडी पहुंचे, जहां धान खरीद कार्य का जायजा लिया। नायब सैनी धान की ढेरियों पर गए, जहां उन्होंने धान में नमी की मात्रा अपने सामने जांच करवाई, तो वहीं किसान अधिकारियों से भी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली कि इस मंडी में कौन कौन सी एजेंसियां खरीद कर रही हैं और तेजी क्यों नहीं आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने किसानों से चर्चा की कि उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि उनकी धान खरीद में नमी की आड़ में कट लगाया जा रहा है, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। नायब सैनी ने नमी जांच मशीन अपने हाथ में लेकर फसल को जांचा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने इसके बाद मार्केट कमेटी कार्यालय में अधिकारियों व किसानों के साथ बातचीत भी की, तो वहीं बाद में पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें कहा कि सरकार धान का एक एक दाना खरीद करेगी, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।